गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईज़ की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में भी एक टॉपिक ही मुझे लगता है कि आज मैं डिस्कस कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ड्राफ्ट किया गया है न्यू एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को आज तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको GS पेपर 3 में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो अगर आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया है तो ये बहुत अच्छी टाइम है कि आप इसे प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि पहले की किस तरीके से कानून थी, उसमें क्या क्या प्रोविज़न रखा गया था, एक्चुअली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से हम लोग समझते क्या है, और जो न्यू यहाँ पर रूल्स लाया गया है उसमें क्या क्या बातें की गई है, और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म में देखने को मिल रहा है, ये भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा लेंदी है ये आर्टिकल, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को इसमें से पता चलेगा, तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको बस एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर जो है आप लोग सारे मंथ की वीज़ एंड आईज़ की मैगजीन आप लोग देख सकते हो। साथ ही PT 365 ज़रूर देखते जाइए, क्योंकि अब जो है आपका यहाँ पे प्रीलिम्स आने वाला है 4th October को, तो टाइम बहुत कम है और आप लोग को रिवीजन बहुत फास्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एनवायरनमेंट की फर्स्ट आर्टिकल, जो कि है ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020। न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझते हैं। इस तरीके का जो आपका कानून बनाया जाता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, ये कानून आपका बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इनके द्वारा अभी एक ड्राफ्ट लगाया गया है। ड्राफ्ट कहने का मतलब है कि ये सारे रूल्स जो है ना आपका आएगा, उससे पहले जो आपका फ्रेम किया जाता है वही फ्रेम किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो पहले का यहाँ पे आपका कानून है, रूल्स है, जिसके थ्रू जो है हम लोग देखते हैं कि कितना यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट हो रहा है, उसी को एक्सेस किया जाता है। तो पहले का जो रूल्स है वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2016 के थ्रू जो है ये सारा काम चलता था, जो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है इसी के अंदर ये रूल्स आपका चलता है। तो कानून कौन सा है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पे इसको ड्राफ्ट कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और इनके द्वारा जो पहले का यहाँ पर आपका रूल्स है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे 2006, तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोसेस की बात करेंगे और मेनली यहाँ पे समझेंगे कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है और उसको एक्सेस किया जाता है। जैसे आप लोग कोई भी काम करते हो, सिंपल सा बात है कि आप लोग बाइक राइड करते हो, स्कूटी राइड करती हो, तो इनमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके जो व्हीकल्स हैं, चाहे वो 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, किस तरीके की गैसेस निकल रही है और उस गैसेस से एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में BS6 स्टैंडर्ड लाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट में कम इम्पैक्ट होगा। इसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा है, 10% आपको देखने को मिलेगा, सॉरी सल्फ़र की मात्रा यहाँ पे कम कर दिया गया है। साथ ही इसमें आपका जो है इससे क्या होगा कि जो आपका BS4 जो मॉडल था उसके कंपैरिजन में BS6 जो है वो कम पॉल्यूट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि कितना जो है, तो आपके हर एक एक्टिविटी से ये जज किया जाता है कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। फाइन, तो अब हम लोग इंडिया में देखते हैं। इंडिया में एक अम्ब्रेला एक्ट लाया गया था। अम्ब्रेला एक्ट लाने का मतलब है कि बहुत बड़ी एक्ट, यानी कि बहुत बड़ी कानून, बहुत बड़े रूल्स रेगुलेशन, जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है। जैसे हेल्थ के लिए आप देखते हो कि अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है, तो अम्ब्रेला आपका स्कीम कौन सा है, तो वो है आयुष्मान भारत। उसी तरीके से एनवायरनमेंट में अगर देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पे एक बड़ी सी यहाँ पे आपकी लाई गई एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अंदर आपको छोटे छोटे सब स्कीम्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके बेसिस पे काम किया जाता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसी के तहत लाया गया है। अगर यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो पहले का यहाँ पे 1972 का जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन लाया गया था उसी की ये सिग्नेटरी है। और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन क्यों लाया गया था, जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुई थी 1984, उसी के बाद ये आपका बनाया गया था। तब यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का कानून हमारे कंट्री में भी लाया गया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अगर इस कानून के तहत देखें तो कंट्री को यहाँ पे फर्स्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स यहाँ पे सेट किया गया था 1994 का, जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क है कि कैसे सारी एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा, यूटिलाइज़ किया जाएगा, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें कैसे अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना उसको यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू जाए, यानी कि डैम अगर कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर कहीं पे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये करनी है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू देख जाना है। ये प्रोसेस है जिसमें कि यहाँ पे सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को जाना है, क्योंकि कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर
से सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलता है। साथ ही 1994 का जो यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे पहले का जो आप देखोगे इसको आपका मॉडिफाई किया गया था 2006 में, सबसे पहले 1994 में है, उसके बाद आपका 2006 में इसको लाया गया, फिर अगेन आप 2020 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों कानून में हम लोग आगे भी कंपैरिजन देखेंगे कि क्या क्या इसमें बात की गई है, बट आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से काम होता है। पहले देखिए क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट तैयार होता है, मान लीजिए कि डैम बनाना है। अब डैम कहाँ बनाना है, मान लीजिए कि उत्तराखंड वाले रीजन में आपका डैम बनाना है, ठीक है। प्रपोजल आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा इस तरीके का डैम बनाने के लिए, पहले यहाँ पे देखा जाएगा कि ये कैसा आपका प्रोजेक्ट है, उसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी, ठीक है। स्क्रीनिंग की जाएगी यानी कि उसमें हर एक पॉइंट को, पहलू को देखा जाता है कि किस किस तरीके से कितना लंबे अवधि का ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, कहाँ बनने वाला है, वहाँ पर कितने लोगों को इम्पैक्ट होगा, कितने इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद जो सबसे पहला देखा जाएगा कि इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन, यानी कि सबसे पहले जो है इन्वायरमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा उसको एग्जामिन किया जाएगा। अगर यहाँ पे आपका कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, दो बात है यहाँ पे आपका जो है ना, एक तो होगा कि कोई भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, दूसरा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है। यानी कि कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन किया जाता है कि इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होगा कि नहीं। अगर इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट होगा तो फिर यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये दो बात होती है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो फिर ये आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है, यहाँ पे आपका जो है स्कूपिंग होता है, फिर इम्पैक्ट देखा जाता है, और फिर उसके बाद आपका देखा जाएगा कि मिटिगेशन और इम्पैक्ट मैनेजमेंट की किस तरीके से जो है, अगर कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट आपका तैयार होता है, उस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है, और उसके बाद जो है उसी के बेसिस पे आपका डिसीज़न बनाया जाता है। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि डिसीज़न बनता है, तो डिसीज़न बनने में क्या होता है कि एक तो अप्रूव होता है और एक होता है कि नॉन, और दूसरा होता है कि नॉट अप्रूव, ठीक है। दो प्रोसेस होता है डिसीज़न मेक करने के बाद। अगर यहाँ पे अप्रूव हो रहा है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फॉलोअप किया जाएगा, अगर नॉट अप्रूव किया जाएगा तो फिर उससे इस प्रोजेक्ट को जो है ना रीडिज़ाइन किया जाएगा, और रीडिज़ाइन करके फिर उसको रीसबमिट किया जाएगा। रीसबमिट करने के बाद फिर से देखा जाएगा कि इन्वायरमेंट में किस तरीके का इम्पैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे मिटिगेशन होगा, फिर इम्पैक्ट मैनेजमेंट देखा जाएगा, फिर रिव्यू किया जाएगा, फिर डिसीज़न मेकिंग होगा। तो सारा प्रोसेस फिर से होगा, ठीक है। और अगर अप्रूव किया जाएगा तो अप्रूव होने के बाद ऑब्वियस है कि वो डैम कंस्ट्रक्ट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, फिर यहाँ पे फॉलो अप किया जाएगा कुछ चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। दो जगह पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग ये सोच सकते हो कि जिस एरिया में आप लोग रहते हो अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मान लीजिए डैम बन रहा है या फिर हाईवे बन रही है, ब्रिज बन रही है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन से आप लोग के लोकल एरिया में इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा, एटलीस्ट सरकार तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि वो यहाँ पर बताते हैं कि उनके एरिया में पॉल्यूशन लेवल कैसा है, उनके एरिया में कैसी स्थिति है, कि अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पर रोल होता है। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो सबसे पहले स्कूपिंग में देखने को मिलेगा, यानी कि जब यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत होती है तो स्कूपिंग कराया जाता है। पहले देखा जाता है कि पब्लिक का क्या राय है, क्या ओपिनियन है, वो क्या कह रहे हैं, इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है, तो उनकी यहाँ पर बात रखी जाती है। और सेकेंड फिर इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि रिव्यू के टाइम में, जब आपका रिपोर्ट आ जाता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, तो उसके बाद भी जो रिव्यू किया जाता है ना, उस रिव्यू में देखने को मिलेगा कि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट रखा जाता है, कि वो भी यहाँ पर बताते कि इस रिपोर्ट से वो कितना सहमत है, ठीक है। असेसमेंट होने के बाद उनको क्या, उनसे पूछा जाता है क्या सही असेस किया गया है, क्या आप लोग को लगता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में जिस तरीके से इम्पैक्ट है उस तरीके से इस रिपोर्ट में रखा गया है कि नहीं रखा गया, तो पब्लिक से दो जगह पे पूछा जाता है। तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में चलता है। फाइन, अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्चुअली है क्या। ये एक तरीके का प्रोसेस है या फिर स्टडी है जिसमें कि सबसे पहला बात तो प्रिडिक्ट किया जाता है, दूसरा अगर प्रिडिक्ट करने के बाद जो है प्रिवेंट करने का कोशिश करते हैं, और थर्ड क्या करते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये थ्री यहाँ पे आपका मॉडल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, कंपेयर, ठीक है। तो ये एक स्टडी है जिसमें प्रिडिक्ट क्या करते हैं, प्रिडिक्ट ये करते हैं कि जो भी यहाँ पे प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो इसका इफेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट में। प्रिवेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे रोकते हैं, अगर मान लीजिए कि उस तरीके का जो इन्वायरमेंट जो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे अगर इन्वायरमेंट में एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज आएगा तो वो एक्टिविटी होने से रोकना है।
थर्ड क्या है कि कंपेयर करना है। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आप लोग काम करते हो तो उसका बस एक ही वे होता है, बहुत तरीके का आपको अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे जो अल्टरनेटिव होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, उससे उसको कंपेयर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन यहाँ पर बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट से। तो इस तरीके से कंपेयर लेकर चलना है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले प्रिडिक्ट करना है कितना इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट है, सेकेंड उसको प्रिवेंट करना है, अगर इम्पैक्ट खतरा है, अगर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होने वाला है तो उसको रोकना है, थर्ड कंपेयर करना है जितने भी तरीके का यहाँ पे अल्टरनेटिव है तो कौन सा बेस्ट सुटेबल होगा इन्वायरमेंटल कॉस्ट और बेनिफिट से लेकर, तो उसको सब में जो है यहाँ पे कंपेयर करके चलना है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की यहाँ पे ज़रूरत देखने को मिली, तो सबसे पहला यहाँ पे ज़रूरत है कि उसको स्क्रीनिंग करना है, स्कोपिंग प्रोसेस करना है, यानी कि देखना है, समझना है, उसके बाद ही यहाँ पे जो है क्लियरेंस यहाँ पे देना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्राफ्ट किया जाएगा EIA रिपोर्ट, उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भेजा जाएगा। 2006 के कानून में क्या था कि प्रोजेक्ट को यहाँ पे ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट जो है ना ए में थे। ए कहने का मतलब क्या है कि जिसको यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रोसेस से होकर गुजरना ही है। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट वो होता था जिसको कि यहाँ पे आपका फर्दर क्लासीफाई किया जाता था B1 और B2, जो कि यहाँ पे स्कोप और पोटेंशियल इम्पैक्ट के बेसिस में था, और यहाँ पे B2 को एग्जेम्प्ट किया गया था, यानी कि यहाँ पे जो है इस B2 को आपका जो है एग्जेम्प्ट किया गया था कि इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से नहीं लेकर जाना है। दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए है और बी है, ठीक है। ए में क्या है कि बिल्कुल ज़रूरी है कि वैसे प्रोजेक्ट जिसमें कि आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना ही है। बी में भी आपका दो तरीके का था, B1 था और B2 था। B2 को यहाँ पे आपका बिल्कुल भी इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट क्लियरेंस दे दिया जाता था। तो ये दो कैटेगरी है। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में, और जो कानून हमारा 1994 में बना था, फिर 2006 में बना, फिर 2020 में बना, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आया इसको ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, इस बार इससे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी लंबे समय तक इससे जो है इसकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुई है, दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आपका बर्निंग हो चुका है। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि जो यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशंस का पीरियड है, सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे EIA 1994 में क्या था कि 30 डेज़ का था, इसको बढ़ाकर जो है 2006 में 45 डेज़ कर दिया गया था, और फिर उसके बाद घटा दिया गया, यानी कि 5 दिन घटा के अगेन इसको 40 डेज़ का कर दिया गया, यानी कि जो पब्लिक से पूछा जाएगा, पब्लिक की ओपिनियन ली जाएगी, उसके लिए सिर्फ 40 दिन ही रखा गया है। तो ये आप लोग पहला पॉइंट देखिए जो कि पहले के कानून से यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया। सेकेंड, अगर हम लोग मॉनिटरिंग पीरियड की बात करें तो 1994 में क्या था कि यहाँ पे प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते थे, कंप्लायंस देखते थे कि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को, और हर एक 6 महीने में देखते थे, ठीक है। यही चीज़ें आपके आगे भी बढ़ा, 2006 में भी यही आपको देखने को मिलेगा कि 6 महीने में देखा जाता था प्रोजेक्ट को कि कितने अच्छे तरीके से वो वर्क कर रहा है और इन्वायरमेंट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन अब क्या किया गया है कि ये आपका जो साल में 2 बार होता था, अब साल में सिर्फ 1 बार होगा, तो यहाँ पे आपका ये भी टाइम ड्यूरेशन घटा दिया गया, सेकेंड नेगेटिव पॉइंट। थर्ड, अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करें तो 1994 के कानून में क्या था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो प्रोवाइड करना था वो उस प्रोजेक्ट को करना था जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंटायरली था, और सेकंड था कि अगर यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं है कैटेगरी का, जो कि आपका मेंशन किया गया है शेड्यूल 1 में। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2006 का ही हो जाता है, यहाँ पे क्या है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, जहाँ पे न्यू नोटिफिकेशंस जो है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पे आपका शेयर किया गया था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सेकंड है कि जो भी शेड्यूल 1 में आता है प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसा भी हम लोग देखे थे कि कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए में यहाँ पे ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देना है, और कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल लेवल अप्रेजल है, और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट लेवल अप्रेजल है। नेशनल और स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी देखे तो वो इसके जो है रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अब यहाँ पे 2020 में क्या किया गया कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे आपका सेंटर और स्टेट में तो जैसे पहले था वैसे ही डिवाइड किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ना वो यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 कैटेगरी था, ए था और बी था, यहाँ पे अब आपका 3 हो गया है, ए है, B1 और B2 है, जो कि यहाँ पे पोटेंशियल सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के बेसिस पे, और स्पेशल एक्सटेंट कितना है उसका इम्पैक्ट पे बेसिस है। यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है ना वो आप देखो कि इसमें आपका और डिवीजन कर दिया गया, यानी कि पहले कैटेगरी ए था और कैटेगरी बी था, यानी कि नेशनल लेवल अप्रेजल और स्टेट लेवल अप्रेजल, लेकिन अब यहाँ पे कैटेगरी आपका ज़्यादा हो गया है, ए हो गया है, बी वन हो गया और बी टू हो गया है। तो यहाँ पे 3 तरीके का कैटेगरी है जिसमें कि अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है।
तो दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ लिए। पहला क्या था कि 2006 में क्या था कि नेशनल और स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाता था, और अभी क्या है कि सोशल और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे है वो देखा जाता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा ये फोर्थ पॉइंट में कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस में क्या क्या है। तो पहले क्या था 1994 में कि स्क्रीनिंग किया जाता था, पब्लिक हियरिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्लियर किया जा ऑप्टेंट किया जाता था लोगों से, जो भी वहाँ के लोकल पीपल थे उनसे यहाँ पर कहा जाता था कि अगर उनको कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे लिया जाता था, और ये जो लिया जाता था ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। उसके बाद उस एप्लीकेशन को इवेल्युएट किया जाता था, फिर कुछ उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन भी दी जाती थी। ये जो प्रोसेस है ये आपका पूरा 90 डेज़ में कंप्लीट होता था, यानी कि 3 मंथ में। उसके बाद 2006 में क्या हुआ कि यहाँ पर पहले स्क्रीनिंग हुआ, स्कोपिंग हुआ, पब्लिक हियरिंग है और अप्रेजल है, ये 4 कैटेगरी लाया गया। और इसमें जो आपका 2 कैटेगरी में प्रोजेक्ट था, कैटेगरी ए है जिसमें कि आपका मैंडेटरी रखा गया था कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से तो जाना ही है, और यहाँ पर आपका कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो करना ही है। कैटेगरी बी में क्या था कि यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग करना है, और यहाँ पर पहले देखना है कि कैटेगरी B1 में है या कैटेगरी B2 में है। B2 का क्या है कि B2 का जो प्रोजेक्ट आ जाता था उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे और क्या चेंज किया गया, अब यहाँ पे चेंज किया गया है कि कैटेगरी ए और B1 प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या है कि यहाँ पे आपका स्कोपिंग है, या फिर यहाँ पे आपका जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट करना है, रिपोर्ट बनाना है, पब्लिक कंसल्ट लेना है, प्रिपेयर करना है फाइनल रिपोर्ट को, और अप्रेजल है। कैटेगरी B2 का जो प्रोजेक्ट है ना उसको यहाँ पे अप्रेजल लेने की ज़रूरत है, जब यहाँ पे अप्रेजल कमेटी बनाया जाएगा जिसमें कि प्रिपेयर किया जाएगा कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान लेकर चलना है, वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही कुछ ग्रांट भी किया जाएगा क्लियरेंस का। B2 कैटेगरी की अगर बात करें ना तो उनको यहाँ पे अब क्या है ना अप्रेजल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो सिर्फ 2 स्टेप ही फॉलो कर सकते हैं, लास्ट 2 स्टेप उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अप्रेजल लेने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि B2 कैटेगरी को अब डायरेक्टली जो है हटा दिया गया है कि उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको क्लियरेंस दे दिया जाएगा। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए इतना प्रोसेस है, लेकिन कैटेगरी जो B2 प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपका क्लियर दे दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर फिफ्थ में देखें तो प्रोविज़न है अपील का, जो कि यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के अगेंस्ट में अगर अपील कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल था, ये भी नॉट एप्लीकेबल था 2006 में, लेकिन अब क्या है कि अपील कर सकते हैं, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उनमें जाकर जो है अगर यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अगर लगता है कि ये गलत तरीके से दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आप लोग अभी देख सकते हो। तो इतना जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले जो पब्लिक कंसल्टेशन का पीरियड है वो घटा दिया गया है, साथ ही मॉनिटरिंग पीरियड है वो 1 साल में बस एक ही बार होगा, पहले 2 बार होता था। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में आपका जो है अब क्या है कि सोशल और पोटेंशियल सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखा जाएगा, साथ ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस में क्या है कि B2 को अब यहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। साथ ही आप लोग देखो कि पब्लिक को कंसल्ट करना है, पब्लिक को हियर करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है। पहले क्या था कि पब्लिक को यहाँ पे हियर किया जाता था, यानी कि सुना जाता था, लोगों की बातें सुनी जाती थी, लेकिन अब पब्लिक को कंसल्ट करना है, यानी कि उनको बताना है और उनसे जो है ना बस एक होता नहीं है कि फॉर्मेलिटी निभाना है कि हाँ वहाँ के लोकल पब्लिक को बता दिया जा रहा है कि इस तरीके का आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहा है, और उनकी जो बात विवाद है, उनका जो दुख दुखड़ा है वो यहाँ पर सुनने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि यहाँ पर आपका जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। अब देखते कि क्या क्या इशू निकल कर आया है, यानी जो न्यू आपका बनाया जा रहा है उसमें क्या इशू निकल कर आया है। इशू में सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि पब्लिक कंसल्टेशन की बात, यहाँ पे आप लोग देखो कि जो पीरियड कम कर दिया गया है, पहले आपका 45 डेज था अब 40 डेज कर दिया गया है, और फिर उसको रिड्यूस कर दिया गया है 30 डेज से 20 डेज में, यानी कि ये जो टाइम प्रोवाइड किया गया है पब्लिक को कि वो अपने रिस्पॉन्स को सबमिट करे, यानी कि पहले 30 दिन दिया जाता था लेकिन अब ये 20 दिन दिया जाएगा। तो 20 दिन में आप लोग को पता है कि क्या होता है, 20 दिन में तो प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने में ही निकल जाता है, और 20 दिन में कहा जा रहा है कि लोगों को यहाँ पर चर्चा भी करना है, उनको अपनी जो है रिपोर्ट भी देनी है, सबमिट करनी है, अपनी जवाब भी सबमिट करनी है। तो ये कितना जल्दी हो पाएगा वो भी आप लोग देख रहे हो कि क्लियरेंस वगैरह में कितना टाइम लगता है, तो ये यहाँ पे आपका टाइम कम कर रहे हैं, जो कि एक बिग इशू कहा जा रहा है। साथ ही इससे क्या होगा कि पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, यानी कि जो भी वहाँ पे लोग होंगे, जैसे उत्तराखंड में डैम बनाया जा रहा है तो वहाँ के जो भी लोग होंगे अफेक्ट होंगे, तो जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं अदरवाइज जो है उनको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता है, और वो यहाँ पे इस तरीके के प्रोसेस से खुद ही नहीं वो यहाँ पे अवेयर होते हैं, तो पब्लिक हियरिंग बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। तो होल जो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट प्रोसेस है ना, इसमें ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी की कमी देखने को मिल रही है। जैसे जो डैम बनाया जा रहा है, तो डैम आप लोग को पता है कि फॉरेस्ट वाले जंगल वाले एरिया में ही बनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ पर फॉरेस्ट की कटाई होती है, आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर सेटलमेंट उनका होता है, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है, फिर उसके
बाद जो है वहाँ पे वो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप लोग को पता है कि कितना ह्यूज लॉस होता है, चाहे ह्यूमन बींग की बात करें चाहे वहाँ इन्वायरमेंट की बात करें। अब इसी में ये बात किया जाएगा कि लोगों की सुननी ही नहीं है, लोगों को बताना ही नहीं है, तो फिर ये प्रोसेस आपका आगे कैसे बढ़ेगा। सेकेंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाइड डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिला, यानी कि गवर्नमेंट की यहाँ पे अपनी पावर जो है बहुत ज़्यादा वो दिखा रहे हैं। डिस्क्रिशन पावर कहने का मतलब है कि वो उनकी अपनी खुद की पावर, जैसे आप लोग देखते हो कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको कुछ डिस्क्रिशन पावर दिया जाता है, जो यहाँ पर हमारे गवर्नर है उनको डिस्क्रिशन पावर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभा सके। उसी तरीके से सरकार भी जो है ना, यहाँ पर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में आप देखोगे कि डिस्क्रिशन पावर उनको बहुत ज़्यादा दिया गया है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर अलाउ किया जाता है कि वो कुछ एरिया को डिक्लेयर करे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया, यानी कि वैसी एरिया जहाँ पे कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि डिस्क्रिशन पावर में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेंगे ना कि पब्लिक हियरिंग के बिना ही जो है वो यहाँ पे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया वो डिक्लेयर कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो दे सकते हैं। साथ ही साथ जो रेड ऑरेंज क्लासीफाइड जो टॉक्सिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो यहाँ पर ऑपरेट हो सकता है, यानी कि आप देखो कि 0 से 5 किलोमीटर तक जो है प्रोटेक्टेड एरिया में वो ऑपरेट होता है। तो क्या पता कि सरकार इसको भी ऑपरेट करने के लिए दे दें और सरकार यहाँ पे इस तरीके का डिस्क्रिशन पावर को लेते हुए क्या करेंगे कि वो यहाँ पे लोगों से सुनेंगे नहीं और वो जो है यहाँ पे इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित कर देंगे। अगर सरकार चाहेगी कि इस ज़मीन पे काम हो, कंस्ट्रक्शन वर्क हो, तभी होगा, अगर वो चाहेगी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो तो नहीं होगा, इस तरीके का यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही प्रोविज़न है पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस का, यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उसमें आप देखोगे कि ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्ट करने का तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका, एग्जीबिशन करने का तरीका, प्रोडक्शन करने का तरीका, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरेंस लेने के बिना, यानी कि आप लोग देखो कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो उससे पहले क्लियरेंस लेना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस बताया जा रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो है यहाँ पे या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद जो है यहाँ पे आपका क्लियरेंस लिया जाएगा। साथ ही जो पीरियड है क्लियरेंस का वो एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि जो वैलिडिटी है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का वो भी माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए ये 50 ईयर्स का आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था 30 ईयर्स, आज के डेट में है ये 50 ईयर्स बढ़ा दिया गया है। रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए देखें तो पहले 10 ईयर था, अब ये 15 ईयर्स हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल, सोशल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही बात भी कहा जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का देखो कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो 30 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो 50 साल में होगा। तो आप लोग समझते हो कि जब तक कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अपने घर को ही जब कंस्ट्रक्ट कराते हो, कभी भी आप देखे हो या फिर आस पड़ोस में जो घर बनते हैं उसमें आप लोग देखो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। वो जो क्रशिंग मशीन होता है जिसमें कि आपकी ईंट और जो सीमेंट वगैरह मिक्स होते हैं, फिर ईंट जो है वो क्रश होता है, उससे कितना ज़्यादा जो है डस्ट निकलता है। तो उस तरीके का काम आप लोग भी सोचते होंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, घर बन जाए, काम निपट जाएगा। अगर वो घर आपका 30 दिन में बन के रेडी हो गया तो बल्ले बल्ले, लेकिन वही घर अगर 3 साल तक चलते रहा तो आप उसी से परेशान होते रहोगे। जब भी बाहर निकलोगे आपको छींक आएगी, खांसी आएगी उस तरीके के धुएं वाले माहौल में। तो उससे आप समझ सकते हो कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। एग्जेम्पशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो छूट दिया गया है वो छूट दिया गया है कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को, कि यहाँ पे पब्लिक कंसल्टेशन लेना ही नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लगता है और आप लोग को भी लगता होगा कि इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो पब्लिक हियरिंग ही है, पब्लिक कंसल्टेशन ही है, क्योंकि लोकल लोग ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, ये सरकार नहीं बता पाएगी। हर एक गली कुचड़ के बारे में सरकार को नहीं पता होता है कि वहाँ की क्या कंडीशन है, वो सिर्फ रिपोर्ट को देखते हुए जो है ना वो उससे जज कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट भी कितना ज़्यादा सच आज के डेट में निकल कर आता है। सारे रिपोर्ट में तो आपको जो है ना लिपापोती देखने को मिलता है, रिपोर्ट में भी वही चीज़ें दिखाई जाती है जो सरकार हम लोग को दिखाना चाहते हैं। एक्चुअल जो हम लोग जो सह रहे हैं, हमारे ग्राउंड फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है, हमारी जो इन्वायरमेंट की हालत है, पॉल्यूशन की हालत है, वो हम लोग से बेटर कोई नहीं जानता। रिपोर्ट के ऊपर जो है सरकार भरोसा करती है, आम जनता से भरोसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप लोग समझो कि पब्लिक कंसल्टेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार उसी को कट कर रहे हैं, और वो भी किस किस प्रोजेक्ट में कट कर रहे हैं ये आप लोग देखो कि नेशनल हाईवे वाले प्रोजेक्ट में जिसमें रोड भी है, और यहाँ पे आप लोग देखो कि फॉरेस्ट, मेजर रिवर, ये सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ पे प्रायर क्लियरेंस से आपका छूट दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जल ही जीवन है, मेजर रिवर, रिवर हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फॉरेस्ट, आप लोग समझ रहे हो कि हम लोग एफॉरेस्टेशन का प्रोसेस चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ओपन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ओपन होगा तो हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है वो लेवल कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हरियाली होगा उतना ज़्यादा कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार तो यहाँ पे अपनी मनमानी कर रही है।
बेसलाइन डेटा अगर हम लोग देखें तो जो लेटेस्ट यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया जा रहा है, वो यहाँ पे जो भी चीज़ ज़रूरत है यानी कि हमारे स्टडीज़ को कैरी आउट करने के लिए पूरे सीज़न में जो भी चीज़ ज़रूरत है एक साल में, उससे इसको बाहर रखा गया है। ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है कि बेसलाइन आप डेटा देखो तो बेसलाइन डेटा एक होना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लोग देखो कि डेटा सही नहीं होगा, प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है पोल्यूशन का यानी कि जो हमारे एयर वाटर ये सारी चीज़ों को जो अफेक्ट कर रहा है उसका सही तरीके से नहीं निकल पाएगा। प्राइवेट कंसल्टेशन की अगर बात करें तो इस नोटिफिकेशन में जो है यहाँ पर अलाउ किया गया है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को कि यहाँ पर प्राइवेट कंसल्टेशन को भी इंगेज करना है कि वो यहाँ पर इस तरीके का रिपोर्ट बनाए। अब प्राइवेट कंसल्टेशन को आप इंगेज कर रहे हो और पब्लिक कंसल्टेशन को आप बाहर कर रहे हो, ये कितना बुद्धिमत्ता वाला काम है। यानी कि इससे तो साफ पता चल रहा है कि सरकार जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं यानी कि वो प्रॉफिट सोच रहे, पॉजिटिव नहीं सॉरी प्रॉफिट सोच रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, वो प्रॉफिट सोच रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट कंसल्टेशन क्या देंगे, प्राइवेट कंसल्टेशन तो अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन पब्लिक कंसल्टेशन से क्या होता है कि वो आम जनता जो है ना वो जागरूक जनता होती है, वो अपने लोकल एरिया के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और वो सरकार को अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि उधर जो इन्वायरमेंट जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा फिजिबल है कि नहीं विजिबल है। साथ ही यहाँ पे कंप्लायंस रिपोर्ट इशू निकल कर आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग देखें जो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो कंप्लायंस रिपोर्ट का फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट ओनर को ज़रूरत होता है। हर एक 6 मंथ से लेकर जो है यहाँ पे आपका एक साल में किया गया है, यानी कि आप लोग रिपोर्ट देखो कि हर एक रिपोर्ट को यहाँ पे 6-6 महीने में बताया जाता था कि जो भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी है, उससे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो उसका कोई और स्टेप लिया जाता है, नहीं हो रहा है तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन 6 महीना का ये घटाकर जो है आपका बढ़ाकर अब एक साल कर दिया गया, तो एक साल में समझिए कि इन्वायरमेंट में अगर इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा तो वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब तक ये लोग अगले साल जब जाएंगे एक्सेस करने के लिए तब तक तो इन्वायरमेंट नुकसान हो चुका होगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ चुका होगा, एयर वाटर हर तरीके से जो है सारी चीज़ें बर्बाद हो गई होगी। तो ये भी एक यहाँ पर बहुत बड़ी इशू निकल कर आ रहा है। कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे प्रोविज़न है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए, तो इसका एम यही है ना कि गवर्नमेंट की जो डॉक्ट्रिन है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे हमारे कंट्री में अगर कोई बिज़नेस करना चाहे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी है और हमारी यहाँ पे रैंकिंग जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और पीएम मोदी जी का भी कहना है कि हम लोग जो है 2024 तक या 2022 तक ही है कि अंडर 50 जो है हमारी इंडिया की रैंक होगी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। ठीक है, तो ये एक मेन आप लोग समझ गए, क्योंकि प्रॉफिट के तरफ से आप लोग देख रहे हो कि आपके प्राइवेट कंसल्टेशन की इंक्लूजन हो रही है, तो ऑब्वियस है कि सरकार की जो मूव्स है वो आप लोग भी बेटर तरीके से समझ रहे हो। तो ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है इसको बैलेंस करना चाहिए, जिसके थ्रू जो इन्वायरमेंट में डैमेज हो रहा है ना वो यहाँ पर बैलेंस हो और इन्वायरमेंट में जो डैमेज हो रहा है वो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हो और पॉसिबल बेनिफिट हो सके। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जो भी कंसर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि इस रेगुलेशन को फाइनलाइज करने के लिए अभी ये ड्राफ्ट किया गया है, अभी ये फाइनल रूल्स आया नहीं है। तो जब फाइनल रूल्स आएगा तो उससे पहले जो है ना इसको फाइनलाइज करने से पहले जो है सही तरीके से सारे कंसर्न को देख लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे आपका आर्टिकल दिया जा रहा है इसमें भी ये सहमत नहीं दिख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपका ड्राफ्ट किया गया है उसमें सही प्रोविजन है कि नहीं है। अदर इशू देख लेते हैं जो कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का इंडिया में क्या क्या इशू है। तो अगर आप लोग देखो कि हमारे इन्वायरमेंट को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके के रूल्स लाई जाती है, इस तरीके का प्रोसेस लाया जाता है, तो कुछ यहाँ पे हमारे आप देखोगे कि जो लीगल फ्रेम पेपर वर्क है उसमें भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जो प्रोजेक्ट की पोटेंशियल है यानी कि जो डैमेजेस है उसका रिपोर्ट अगर देखें तो वो इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट के ऊपर और फ्रिक्वेंटली यहाँ पे शॉडी देखने को मिलेगा। कंसल्टेंट एजेंसीज़ हैं जो कि यहाँ पे रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और ये फ़ी के लिए, यानी कि रेयरली आप देखो कि यहाँ पे अकाउंटेबल होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो कंप्लायंस को इंश्योर करना है वो यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लियरेंस कंडीशन देखने को मिलता है जो कि मीनिंगलेस है, यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है कि यहाँ पे जितने भी तरीके का लिस्ट है वो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। पीरियोडिक अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक कैटेगरी जो इंडस्ट्री का है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है दूसरे से स्क्रूटनी कराने के लिए। वहीं अगर हम लोग देखें डेवलपर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिजिम जो है ना वो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ लिबरलाइजेशन लेकर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे छूट मिल रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को और लिबरलाइज होते हुए जा रहे हैं।
रिसेंट अगर हम लोग इंडस्ट्रियल मिशैप देखें तो आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री में प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। ब्लू आउट हुआ था गैस फील्ड जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का, वो भी कहाँ पे, तो आसाम में। आसाम में आप लोग देखे थे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्लू आउट हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से आग लग गया था। तो जो रिसेंट प्रोसेस है एक्सपेंशन का और मॉडिफिकेशन करने का इस तरीके का प्रोजेक्ट को, तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि हमारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बिना अगर इस तरीके का काम किया जाए तो कितना ज़्यादा ये नुकसानदायक है। साथ ही एलजी पॉलीमर जो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम प्लांट में जो गैस लीक हुआ है, तो ये भी एक तरीके का आपका इंडिकेशन देता है कि ये अगर इस तरीके का आपका जो इंडस्ट्री सेटअप होता है या फिर इस तरीके का आपका काम हो रहा है तो यहाँ पे अगल बगल वाले लोग बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में यहाँ पे लोग अफेक्ट हुए थे, बड़ी मात्रा में लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है बिना सोचे समझे काम करने पर और बिना सोचे समझे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने से। तो ये सारे हम लोग देख सकते हैं, ये रिसेंट ही है, यानी कि लॉकडाउन के ही दौरान आपको देखने को मिला। अनलॉक हो रहा था जब इंडस्ट्रीज ओपन हुई है तो गैस लीक देखने को मिला, ब्लो आउट देखने को मिला। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि आप लोग देख सकते हो कि सरकार को यहाँ पे समझना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देते हुए चल रहे हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी नुकसान होती है, हम जैसे आम जनता भी नुकसान होते हैं, हमारी जान भी जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जो है हेल्थ में इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। काफ़ी लंबी ये आर्टिकल थी और मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग फ्री हो के आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इसको अलग से ही रखना चाहती हूँ। अगर आप लोग कभी इसको सर्च भी करना चाहो तो आप लोग आराम से सर्च करके इसे देख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक है, आपके सारे पर्सपेक्टिव को कवर करेगा। अगर आप लोग की इंटरव्यू भी है तो इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर आपकी ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे COVID-19 और फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। COVID-19 से रिलेटेड आप लोग को सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है हमारे हर एक पहलू में। तो हर एक मंथ में हम लोग देखते जा रहे हैं कि COVID-19 से जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट लेसन देखना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो बस उसके लिए हमारे फैमिली का पार्ट बन जाइए, वो भी सब्सक्राइब करके। और फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है, कहीं पे भी समझने में अगर आप लोग को प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोग के डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगी। और हो सके तो मेरे लेसन्स को आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए। सो आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।